भावार्थ अश्विनी कुमार दानी पुरुष के लिए अन्न पहुंचाते हैं तथा पहाड़ के शिखर पर बैठते हैं। पहाड़ के शिखर पर सोम आदि औषधियां होती हैं। लोग उनको लाकर उनसे यज्ञ करते हैं। अश्वदेव पर्वत शिखर पर जाते हैं, उन औषधियों को लाते एवं सुख पहुंचाते हैं। भावार्थ अश्वदेव जो अन्न प्रदान करते हैं वह अन्न ऋषियों के खाने के योग्य और औषधियों तथा जल से बनने वाला है। इन वर्णनों से पता चलता है कि शाक ही भोजन है, मांस नहीं। भावार्थ हे देवों, ऋषियों द्वारा गाए जाने वाले अनेक स्तोत्र सुनते हुए तुम सबका निरीक्षण करते हो और उत्तम मनुष्यों के प्रति आते हो। ऐसे उत्तम मनुष्यों के लिए तुम्हारी बुद्धि अन्न देने वाली हो। भावार्थ यज्ञ में अश्वदेवों का वर्णन किया जाता है, उन स्तोत्रों को पढ़कर यज्ञ होते हैं। यज्ञों के मनुष्यों का संगठन होता है, उत्तम पुरुषों को बसाया जाता है, ग्रामों का निर्माण होता है, मनुष्यों का परस्पर व्यवहार होता है। इस प्रकार यज्ञ उन्नति के कारण बनते हैं। भावार्थ हे बलवान अश्वदेवों, यह हमारी कामना है, यह हमारी वाणी है, इस सुंदर स्तुति को तुम स्वीकार करो, क्योंकि ये स्तोत्र तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। एक सप्ततितम सुक्तम। भावार्थ उषा से रात्रि अलग होती है, रात्रि में सूर्य के लिए मार्ग खुल जाता है तथा वह अंधकार को दूर करके दिन को प्रवृत्त करता है। गायों तथा घोड़ों के रूप में वैभव प्राप्त करने से दरिद्रता दूर होती है। हम धनी होकर अपने शत्रुओं को दूर करें तथा निर्भय होकर उन्नत होते रहें। भावार्थ अश्वदेव अपने रथ पर उत्तम अन्न तथा धन को रखकर हमारे पास आएं और हमारे अन्न के अकाल को दूर करें तथा हमसे सब रोगों को दूर करके हमारा संरक्षण करें। भावार्थ हे देवों, उषा के उदय होने पर बलवान एवं सुख से चलने वाले घोड़े तुम्हारे रथ को हमारे पास ले आएं और हमें तेज तथा धन आदि देकर सुखी करें। भावार्थ अश्वदेव मनुष्यों के रक्षक हैं तथा सत्य के पालक हैं। उनके रथ पर धन रहता है, सुबह सुबह उनका रथ सब जगह घूमता है। उनका वह रथ हमारे पास आए और हमारी रक्षा करे। भावार्थ अश्विनी कुमारों ने वृद्ध चवन ऋषि को तरुण बना दिया, पेद को श्रेष्ठ घोड़ा दिया, अत्र ऋषि को अंधकार पूर्ण एवं कष्टदायक कारावास से मुक्त किया, जाहुष को उसके राज्य पर पुनः बिठाया। भावार्थ हे बलशाली अश्वदेवों, यह हमारी कामना है, यह हमारी वाणी है, इस सुंदर स्तुति को तुम स्वीकार करो, क्योंकि ये स्तोत्र तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। द्विसप्ततितम सुक्तम। भावार्थ अश्वदेव सत्य पक्ष का रक्षण करते हैं, उनके पास बहुत गायें तथा घोड़े हैं, वे तेजस्वी रथ से आते हैं, उनका शरीर सुंदर है तथा उत्तम धन उनके पास है, वे हमारी रक्षा करें। भावार्थ हे अश्वदेवों, तुम देवों के साथ रहकर भी हमारे पास आओ, हमारी तुम्हारी मित्रता अनंत काल से चली आ रही है, साथ ही हमारे और तुम्हारे में परस्पर बंधु भाव भी है, उसे तुम जानते हो। भावार्थ अश्वदेवों के स्तोत्र उषा काल में गाए जाते हैं, जिससे बंधु बांधव जागृत होते हैं तथा तत्पश्चात यज्ञ का प्रारंभ होता है। भावार्थ हे अश्वदेवों, यदि उषाएं अंधेरे को दूर कर दें तो स्तुति करने वाले आपकी स्तुति करें। प्रातः उदय होने वाला सविता ज्यों-ज्यों आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसका प्रकाश भी तीक्ष्ण होता जाता है और उसके साथ ही समिधा आदि से हवन आरंभ हो जाता है। भावार्थ हे देवों, तुम दोनों नीचे से, ऊपर से, पीछे से, आगे से, अर्थात हर ओर से हमारे पास आओ और अपने कल्याणकारी साधनों से हमारी सदैव रक्षा किया करो। त्रिसप्ततितम सुक्तम। भावार्थ हम देवत्व प्राप्त करने की कामना करते हैं, रात्र के बीत जाने से हम अंधेरे को पार कर गए हैं तथा प्रकाश के उदय होने पर हमारी वाणी
अश्विनी कुमारों की स्तुति में लगी हुई है। भावार्थ, यज्ञ आरंभ हुआ, मनुष्यों का हितकर्ता याजक यज्ञ में प्रवृत्त हुआ है, अश्वदेवों को रस दिया गया है तथा हविष्यान लेकर स्तोता लोग स्तोत्र पाठ पूर्वक यज्ञ करते हैं। भावार्थ, हे बलवान अश्वदेवों, इस स्तुति का तुम सेवन करो। तुम्हारी ओर से भेजा गया स्तोता शीघ्रगामी दूत की भांति तुम्हें अपने स्तोत्र पाठों से जगा चुका है। उत्तर मार्ग पर चलने वाले हम यज्ञ को संपन्न करते हैं। भावार्थ, सुदृढ़ हाथों से युक्त राक्षसों का वध करने धन को लाने वाले अश्वदेव हमारी प्रजा की तरफ आते हैं। हे देवों, हम तुम्हें आनंद देने वाले सोमरस प्रदान करते हैं, इसलिए तुम हमें कष्ट मत दो और हितकारक साधनों से संपन्न होकर ही हमारे पास आओ। भावार्थ, हे देवों, तुम दोनों नीचे से, ऊपर से, पीछे से, आगे से, अर्थात हर तरफ से हमारे पास आओ और अपने कल्याणकारी साधनों से हमारी सदा रक्षा किया करो। चतुः सप्त तितम सुक्तम। भावार्थ, अश्विनी कुमार शक्ति रूप धन से युक्त होने के कारण तेजस्वी हैं। तेजो युक्त लोकों में रहने की कामना करने वाले भक्त इन देवों को बुलाते हैं। मैं भी अपनी सुरक्षा के लिए इन देवों को बुलाता हूँ। मनुष्य शक्ति से संपन्न बने, क्योंकि शक्ति ही धन है। भावार्थ, उत्तम मार्ग से ले जाने वाले अश्विनी कुमार बलवर्धक भोजन देते हैं और मानवों को सत्य भाषण की ओर प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार नेतागण अपने अनुयायियों को विभिन्न प्रकार का पौष्टिक अन्न दें, उनका बल बढ़ाएं तथा उन्हें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। भावार्थ, हे बलवान अश्वदेव, हमारे पास अलंकृत होकर आओ और मीठे रस का पान करो। हमें किसी प्रकार का कष्ट मत दो। हमने जो दूध का दोहन किया है उसे पियो। घर में जब अतिथि आए तब उसे मीठा रस प्रदान करके उसका सत्कार किया जाए, उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए तथा गौ का दोहन करके उसे ताजा दूध दिया जाए। भावार्थ, शक्तिशाली घोड़े इन अश्वदेवों को दाता के घर तक पहुंचाते हैं। अतः हे अश्वदेवों, तुम शीघ्रगामी घोड़ों से हमारी ओर आओ। भावार्थ, प्रयत्न करने वाले ज्ञानी अन्न और भोग प्राप्त करते ही हैं। मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे, प्रयत्न करे, धन अन्न आदि प्राप्त करे, धनवान होने पर घर बनाए तथा स्थायी यश प्राप्त करे। भावार्थ, लोगों अथवा प्रजा का पालन करने वाले क्रूर न हों। जो क्रूर न हों उन्हें ही प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त करना चाहिए। क्रूरता रहित अधिकारी ही उन्नति करते हैं। क्रूरता रहित संरक्षक वीर ही अपनी शक्ति से बढ़ते हैं। उनकी उन्नति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसे ही लोग अपने बल से उत्तम निवास स्थान प्राप्त करके उसमें आनंद से निवास करते हैं। पंच सप्त तितम सुक्तम। भावार्थ, उषा अंतरिक्ष में प्रकट होकर विशेष तरीके से प्रकाशित होने लगती है। वह शत्रुओं तथा अप्रिय अंधकार को दूर करती है और मार्गों को प्रकाशित करती है। दिव्य भावों वाले मानव अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। उषा दिव्य स्त्री है, दिव्य गुणों के साथ प्रकट हुई है। वह सरल स्वभाव से अपनी महिमा को प्रकट करती है। स्त्रियां भी उषा की भांति दिव्य गुण वाली हों। वे स्त्रियां अपने प्रभाव से दुष्टों को दूर करें, अज्ञानांधकार को दूर करके प्रकाश का मार्ग दिखाएं। भावार्थ, उषा मानवों की हित करने वाली है। वह लोगों को सुख प्राप्त करने के लिए जागृत करती है। विशेष सौभाग्य प्राप्त करने के लिए लोगों को यत्नशील बनाती है और यश प्रदान करने वाले धन को प्रदान करती है। स्त्रियां मानवों का हित करने वाली हों और ऐसे सुपुत्र का निर्माण करें